ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम 28 अगस्त की शुरू दंगा पहुंचे हैं। बेफिक्र बादशाह, इंसान चाहता है कि उसको कोई फिक्र ना हो, लेकिन वो फिक्र तब लेता है जब वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और यहीं पर प्रॉब्लम आती है, जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे सोचना है, मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे आगे का प्लान करना है। परमात्मा भी कहते हैं कि हाँ, आपको सोचना है, लेकिन गाइड कौन है सोचने का और गाइड करने का? राइट लोगों को राइट टाइम पर राइट समय पर कैसे मिलाना है, किससे मिलाना है, कब मिलाना है, ये कौन करता है? ये सब परमपिता परमात्मा ही करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर हम ये भूल जाते हैं तो हम बेफिक्र बादशाह नहीं रह पाते हैं। तो करावन हार की स्मृति याद रहे, कौन करा रहा है? द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की होके रहेगा, निश्चिंत कैसे होगा, कौन करेगा, किससे होगा, ये क्वेश्चन मार्क्स नहीं आने चाहिए। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे। पाना था सो पा लिया, काम किया बाकी काम क्या बाकी रहा। अगर परमात्मा को हमने पा लिया, आज इंसान परमात्मा को ढूंढ रहा, लेकिन परमात्मा को ढूंढना मतलब क्या है? कोई वो वस्तु नहीं है, कोई वो चीज नहीं जिसको आपको ढूंढना है। परमपिता परमात्मा ने संसार की रचना कैसे करी, ड्रामा कैसे बना, स्टार्टिंग कैसे हुई, एंड कैसे हुआ, ये किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि सत्युग कब शुरू हुआ, कौन थे, क्या करते थे, त्रेता में कौन था, द्वापर में क्या हुआ, कलयुग क्यों बना, अब कलयुग के बाद में सत्युग कब आएगा, ये टाइमलाइन किसी भी शास्त्र में लिखी नहीं है। तो ये कौन बताएगा? स्वयं परमात्मा, जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। जब वो आके धरती पर बताता है कि इतने इतने सालों का ये युग है, अब ये युग खत्म होने वाला है, तब इंसान के अंदर चेतना जागती कि बस अब तो जाने का समय आ गया है। नहीं तो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं कि भाई अब जाने का समय आ गया है। तो इंसान तो लोभ में फंसा हुआ है, अहंकार में फंसा हुआ है, ईर्ष्या में फंसा हुआ है। तो परमात्मा के पास ही ये टूल है जिसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान जब परमात्मा आके देते हैं तो फिर हम बेफिक्र बन जाते हैं। हमें पता चलता है कि अब फ्यूचर में होना क्या है। आधे से ज़्यादा इंसानों को एंग्जाइटी क्यों है, डिप्रेशन क्यों, क्योंकि पता नहीं कि फ्यूचर में होना क्या है दुनिया में। तो उनको लोभ रहता है, उनको मोह रहता है चीज़ों से। जगह आपको कोई बता दे कि भाई ये कंपनी या ये घर कुछ सालों तक ही है बस, तो आपको कितना मोह रहेगा उसके साथ में, आपको कितना लोभ रहेगा उन चीज़ों के साथ में। एग्जैक्टली, तो परमात्मा कहते हैं कर्म करो, उन चीज़ों को करो, उन चीज़ों को बनाओ, लेकिन मोह फ्री होकर के, तो जा करके आप बेफिक्र हो सकते हो और आप सही कार्य कर सकते हो, परमात्मा की सेवाओं को आगे बढ़ा सकते हो। तो हमें जो पाना था सो पा लिया। ब्रह्मा बाबा ने भी ये कहा कि मुझे परमात्मा की खोज थी और परमात्मा ने अपना परिचय, अपने मन बुद्धि में जो कुछ ज्ञान है वो मुझसे शेयर कर दिया, और हम आत्माएं जो हैं, हम भी ब्राह्मणों को भी ये सारा ज्ञान मिलना शुरू हो गया ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो हम भी क्या बोल सकते हैं, जो पाना था सो पा लिया। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावन हार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। जिसको वो चूज करना चाहे उसके द्वारा कराएं, जिसकी जिसका मन साफ, बुद्धि एकदम क्लीन है, उसके द्वारा परमात्मा सेवा कराएंगे। लेकिन जो अपने अंदर घृणा, ईर्ष्या, नफरत रखा होगा औरों के प्रति, उसको परमात्मा यूज नहीं कर पाएंगे। चाहते हुए भी सदा स्मृति रहे, बाप करावन हार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियोस हैं जो कि मैं हर दिन करने की कोशिश करता हूँ, तो परमात्मा मुझसे अगर ये करवा रहे हैं तो ये कितने लोग सुनेंगे, कौन लाइक करेगा, कौन नहीं लाइक करेगा, कितने सुनेंगे, कितने नहीं सुनेंगे, कैसे होगा, कौन पहुँचेगा, कौन इनको सुनना चाहेगा, ये मेरे को सोचने की चीज़ नहीं है। मुझे परमात्मा ने गाइड किया कि ये वरदान स्टार्ट करो, वरदान स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद कोई देखे ना देखे वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो परमात्मा कहते हैं बेफिक्र होकर के सेवाएं करो, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, ये सब कुछ अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर अभिमान आएगा। पहली बात, कल का वरदान फेथ है ना, भरोसा, वो टूट जाएगा अगर आपका, क्योंकि अरे मैंने एक साल तक करा, वीडियोस बनाया, लेकिन एक भी टिक नहीं आया, एक भी लाइक नहीं आया, तो इंसान वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम करते चलो, करावन हार मैं हूं बस। फिर परमात्मा कहते हैं निश्चय है ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। ये कार्य हुआ ही है, हुआ ही पड़ा है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। ये तभी हो सकता है जब हमें अपने ऊपर भरोसा, जैसे कल के वरदान में था, परमात्मा पे भरोसा, और तीसरा ड्रामा पे भरोसा, कि हर चीज जो हो रहा है वो परमात्मा की गाइडेंस हो रहा है, परमात्मा के सेवा अर्थ हो रहा है। तो ये सब बातें हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी, इसमें आप भी आकर के इसको सीखिए। ओम शांति।
साथ।